प्यार बच्चों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा आपको बच्चों कि आखिर हम आइस से फायर कैसे बना सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आइस जो ठंडा होता है उससे हम लोग आग लगाने वाले? बच्चों आइस एंड फायर सॉन्ग आपने सुना होगा। तो हम लोग बच्चों आज हम पढ़ेंगे आखिर आइस से फायर कैसे बनता है। तो अब गेस करिए कौन सा चैप्टर मैं आपको आज पढ़ाने वाला बच्चों हूँ। तो आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। आखिर रे ऑप्टिक्स क्यों पढ़ना है ये भी बताऊँगा बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास टेंथ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये कंसेप्चुअली क्लास टेंथ क्या, आप जब क्लास ट्वेल्थ पढ़ेंगे तब भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस जब आप जेई एडवांस और जेई मेंस लिखेंगे बच्चों तब भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके सवाल भर भर के आते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बेटा डेटा बोल रहा है, डेटा देख के बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस भर भर के आते हैं हर जगह। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा मुझसे पूछेगा आखिर सर मैं क्यों पढ़ूं इस चैप्टर को, तो बच्चों बता दूं कि एग्ज़ाम में आपके बहुत ये इंपॉर्टेंट है। जो क्लास टेन के बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर इससे क्वेश्चन आएगा तो नंबर आएगा बच्चों। सीधी सी बात है और सिंपल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, प्लस इसको पढ़ने के और भी फायदे बच्चों। जैसे कि मैं चश्मा पहना हूँ, आप पता कर सकते चश्मे का फोकल लेंथ कितना है, आखिर चश्मे बनते कैसे हैं बच्चों, प्लस आप देखे होंगे कि आखिर आसमान में रेनबो देखा होगा आपने बच्चों, कलरफुल रेनबो बनता है जब बारिश के बाद, कलरफुल रेनबो जो बनता है आखिर वो कैसे बनता है, उसके पीछे की थ्योरी क्या है, वो एक्सप्लेन कहाँ से होता है, इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप बता पाएंगे कि आखिर कैसे होता है बच्चों। प्लस जब आप किसी चीज़ को बेटा आप देखे होंगे कि जो पानी में रखा होता है वो आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है ये भी आप समझेंगे। आपने बेटा ये देखा होगा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को भी देखा है क्या? देखा होगा माइक्रोस्कोप से आप कोई चीज़ को देखते बड़ा करके, वो बड़ा दिखता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लेंसेज यूज होते हैं, वो लेंस कैसे बनता है, इस सवाल का जवाब भी यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? यहाँ मिलेगा। टेलीस्कोप के बारे में भी सुने होंगे बच्चों, जब टेलीस्कोप हम लोग किसी प्लैनेट्स या मून को या किसी स्टार को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं बच्चों, तो टेलीस्कोप भी बनता है, उसमें भी ऑप्टिक्स इन्वॉल्व होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल बच्चों। आपकी जो कार की जो ये हेडलाइट होती है वहाँ पे जो यूज होता है, प्लस जो आपका मिरर जो होता है साइड में, उसमें भी कौन से मिरर यूज होता है ये भी आप बड़े इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और मिरर की डिज़ाइन कैसे होती है ये भी आप यहाँ से पढ़ेंगे। तो बहुत सारे बड़े एग्जाम्पल्स हैं आपके अगल बगल जहाँ पे इस चैप्टर की यूज आपको देखने को मिलती है, ये चैप्टर इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर बच्चों आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपके पास ये वीडियो जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स इन्वॉल्व है। कैसे सर? मतलब बेटा कैमरा तो यूज हो रहा है ना, कहीं कोई कैमरा में लेंस लगा है, उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी, उस लेंस की पावर कितनी है, उस लेंस का अपर्चर कितना है, ये सब बातों का ध्यान यहाँ से पता चलता है बच्चों। इस चैप्टर में वो थ्योरी है जहाँ से हमें पता चलेगा कि आखिर इन सब चीज़ों को डिजाइन कैसे होता है, जो नेचर में बहुत सारे फेनोमेना हैं उन सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं बच्चों, आखिर ये कैसे होता है, तो इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन चैप्टर को जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चों आपके लेवल पर मोस्टली क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों अलग अलग बातें बच्चों, एक एल आता है एक में आर आता है, एक होता है रिफ्रैक्शन एक होता है रिफ्लेक्शन, ये दोनों बातें पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में लाइट को हम लोग क्या करने वाले बच्चों, लाइट के लिए एक एजप्शन हम मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस एजप्शन से सॉल्व होती है, उसके पीछे की थ्योरी यहीं से स्टार्ट होती है बच्चों। तो लाइट का हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन मानेंगे बच्चों। लाइट क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन मानते बच्चों, मतलब हम जितने भी थ्योरी इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों यहाँ मानेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। रेक्टिलिनियर का मतलब वही होता है बच्चों, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और इस चीज़ को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, आप सुनेंगे उसको बोलते हैं रे। रे आपने पढ़ा होगा बच्चों मैथ में, अगर यदि आप मैथमेटिक्स के बच्चे हैं आप वही ध्यान से पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे आप लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे, लाइन पढ़ेंगे, रे पढ़ेंगे, तो जो वहाँ पे रे पढ़ा था उसी रे का यूज करते हैं यहाँ पे लाइट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लस लाइट किस डायरेक्शन में जा रहा है और बड़े स्ट्रेट लाइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग चीज़ों को समझने के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट से हम लोग इमेज कौन कौन सा बनता है। आप बेटा ये रोज़ आप लोग मिरर देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो मिरर में इमेज कैसे बनता है, क्या बनता है, ये सब चीज़ों को समझते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग
कुछ रे डायग्राम्स का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लाइट को कैसा माना गया है, लाइट स्ट्रेट लाइन में माना गया बच्चों। और लाइट को स्ट्रेट लाइन में मान सकते कब, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बच्चों कम है, लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है, नैनोमीटर्स में होती है, और जो ऑब्जेक्ट हमारे रियल लाइफ में बच्चों उसकी डायमेंशन ज़्यादा है, तो हम लोग उस केस में लाइट को स्ट्रेट लाइन में मान सकते हैं। लेकिन इन जनरल लाइट एज ए वेव होता है बच्चों, लाइट इज ए वेव, लाइट इज ए पार्टिकल नेचर। तो लाइट का दो नेचर्स होते हैं बच्चों, एक तो वेव और पार्टिकल। अब ये सब चीज़ें क्या बच्चों, ये आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये बात में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि लाइट वेव है पार्टिकल, ये सब समझना नहीं है आपको। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ये एज्यूम करके ही चलेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही, भाई लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही, तभी तो शेडो बनता है, मैं कोई लेजर से डाल रहा हूँ। तो ये हम लोग मान के चलेंगे बच्चों, ये मेरा एजम्पशन है कि लाइट को हम लोग कैसे मानेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर मोशन, लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है। इस बात को बेटा दिमाग में बैठा लो, कि इस चैप्टर का नाम ही वही है बेटा, लाइट को हम लोग ये मानेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो लाइट अगर जब तक किसी मीडियम से नहीं टकराती तब तक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, लेकिन जब लाइट किसी सरफेस से टकराएगी, किसी सरफेस से मतलब जैसे पानी रखा है, पानी का भी एक सरफेस है बच्चों, या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका भी एक सरफेस है, जैसे बोर्ड है ये भी एक सरफेस, तो लाइट इधर सारी से टकरा रही, तो लाइट जब किसी सरफेस से टकराएगी तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो सकता है या एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तीन चीज़ें हो सकती है बच्चों। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान दो, क्या बता रहा हूँ कि लाइट जब बेटा यहाँ पर टकराई, कोई भी लाइट मान लो आ गई, लाइट को मैंने पहले बोल दिया कि मैं ये मान रहा हूँ ये क्या है स्ट्रेट लाइन, रे से दिखा रहा हूँ, लाइट आ गई, ये सरफेस है भाई, ये कोई सरफेस है, तो सरफेस पे क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है बच्चों लाइट इधर आ जाए, या लाइट इसके अंदर आ जाए, या लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब कि लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, जो वापस चले जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना, लाइट रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट होना। यदि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ही लाइट रिफ्लेक्ट करेगी बच्चों, ये बात याद रखो। ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे ग्लास हुआ, जैसे एयर हुआ, जैसे आपका कोई लिक्विड है उस पर लाइट क्या करते हैं रिफ्लेक्ट हो सकती है बच्चों। प्लस ये दोनों साथ में भी देखने को मिल सकता है बच्चों कि लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है और रिफ्रैक्ट भी हो रही है, ये सब हम लोग वही पढ़ने वाले। प्लस कुछ ऐसे होते बच्चे लाइट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, तो क्या हो सकता है बच्चों, हम लोग अभी दो फेनोमेना देखेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये हम लोग मोस्टली फोकस रहेगा। हम लोग ये नहीं मानेंगे लाइट एब्जॉर्ब हो रही, क्योंकि हम अभी सारा जो पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे मिरर, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, और स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पढ़ेंगे। तो उन सब चीज़ों में क्या होता है बच्चों, जो मिरर होता है जहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात होती है, यहाँ पर क्या होता है, मान लो एक सरफेस जैसे कि, देखिए बच्चों ही बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ बेटा, सब कुछ डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल से पढ़ाने वाले ये चैप्टर, और हर एक चीज़ बेटा आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये चैप्टर आप आगे चल के 12 में भी काम आएगा, और प्लस जेई मेंस और जेई एडवांस में भी काम आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बच्चों कि एक ये है, एक इरेगुलर सरफेस है, तो इस पर लाइट गिरने से क्या होगी भाई, अगर सरफेस रफ है, यहाँ लिख रहा हूँ सरफेस कैसा है, सरफेस अगर यदि रफ है तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भाई, इसको वो एक टर्म है बेटा, याद रख, याद रखता यदि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भूल जाओ, कोई और नहीं, बस याद रखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलता है। यदि रफ सरफेस है तो लाइट कहीं भी बेटा रिफ्लेक्ट कर सकती है, और इससे कुछ हमको यूजफुलनेस ज़्यादा मिलता नहीं, कि लाइट बर्बाद हो जाती है इस सरफेस पर गिरने से। बस इस चीज़ को देखा जा सकता है, क्योंकि इससे फिर आप आके यहाँ पर आप रखेंगे तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, और लाइट बेटा पूरा रैंडम चले जाते हैं, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जब रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये हमको पढ़ना नहीं है, हमको नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है भाई, हमको पढ़ना है बच्चों स्मूथ सरफेस, क्या पढ़ना है स्मूथ सरफेस, हम पढ़ेंगे स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्शन, ठीक, हम क्या पढ़ेंगे स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्शन। इसका एक और टेक्निकल नाम है बच्चों, इसको बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, हो सकता है ये टर्म आप देख के डर रहे हो बेटा, ये एक टेक्निकल टर्म, बस जान गए तो जान गए, नहीं जाने तो नहीं जाने, बात खत्म है, लोड क्यों लेना। इसका नाम बट्टो स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं
स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और यही चीज़ हम लोग बड़े पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये सब पढ़ने वाले, क्योंकि जो हम लोग मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन, वहाँ पे स्मूथ सरफेस है। स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर क्या है ये बताऊँगा मैं, वहाँ पे भी सरफेस स्मूथ है। तो जो भी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले सारा क्या है, स्मूथ स्मूथ स्मूथ, ठीक। तो स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ने वाले, और स्मूथ सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ बढ़िया बढ़िया लॉ बन जाता है बच्चों। लाइट एक बड़ा ही मतलब बेहतरीन रूप में आता है, उसका एक लॉ बनता है जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये स्मूथ सरफेस के लिए वैलिड है। तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे बच्चों, और यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है बच्चों, यहीं से स्टार्ट होता है कि आखिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपको पहला बेटा। जब आप खोलेंगे किताब तो आपको यही दिखेगा, सबसे पहले क्या दिखेगा, थोड़ा लाइट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मतलब लाइन तो दो ही है, लेकिन इसके सवाल मैं एक से एक कराने वाला हूँ जो प्लेन मिरर से है, और आप भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इन सब चीज़ों को, कंसेप्ट को मैं समझाऊँगा और बताऊँगा बच्चों, तो बने रहो और देखते रहो वीडियो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है बच्चों, ध्यान दो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी मैं किसी से पूछता हूँ तो वो क्या करता है, सीधा एक ही डायग्राम बना देता है, ऐसा एक प्लेन मिरर, ये एक लाइन, ये ऐसे दिखा देगा बेटा। ये जोरी नहीं डायग्राम ऐसा ही बने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जोरी ये डायग्राम बने, कोई जोरी नहीं। कहीं पर लिखा होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि प्लेन मिरर है, नहीं, तो फिर हम क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं पता नहीं सर, बनाते आए हैं इसीलिए बना देते, ऐसा नहीं होता। मैं बता रहा हूँ आपको, प्लेन मिरर या कोई मिरर का वहाँ जिक्र नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जब बात होती है वहाँ कोई मिरर की बात नहीं होती, वहाँ किसकी बात होती है, वहाँ सरफेस की बात होती है, स्मूथ सरफेस की बात होनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ क्या होगी, स्मूथ सरफेस की बात, और क्या होगी बता रहे हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये तो फर्स्ट है, ये पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बोलेंगे सर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये तो बताइए सर पहले, आप ये लिख दिए हमको कैसे मालूम, बेटा बता रहे सब बता रहे सब बता रहे, ध्यान से देखो, पहले लॉ लिखने दो हमको, दोनों लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ क्या है भाई, बोलो फटा से कि सर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या भाई, नॉर्मल, कहां पर नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये आपको बेटा किताब में हर जगह हर जगह सर जगह हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, इसमें कोई नई बात तो मैंने नहीं बताई, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या लिख दिया सर, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है भाई, नॉर्मल बच्चों नॉर्मल क्या है ये भी पता करना होगा, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन, मतलब नॉर्मल रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट ये सब एक ही प्लेन में है बच्चों, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो बोलेंगे सर ये क्या भाई, बेटा वह लिख लो, व्हेन ए रे स्ट्राइक्स ए स्मूथ सरफेस, ठीक, ये बात लिख दिया बेटा, जब स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करेगी तभी ये बात लागू होगी, ये बात मैंने बता दी और रियल है। अब यहाँ पे स्मूथ सरफेस क्या हो सकता है, स्मूथ सरफेस बताओ क्या होगा, स्मूथ सरफेस तो कर्व भी हो सकता है और स्मूथ सरफेस स्ट्रेट भी हो सकता है बच्चों, जैसे कि प्लेन मिरर केस में तो स्ट्रेट होगा, लेकिन जब कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर होगा तो उस केस में कर्व होगा। तो मैं इन जनरल बच्चों क्या करता हूँ, कोई भी एक
मैं क्या ले लूँ बोलो? मैं बेटा कोई भी एक ले लेता हूँ। ये मेरा एक स्मूथ सरफेस है, मैं एक ऐसा स्मूथ सरफेस ले लेता हूँ। आप बोलेंगे सर इसमें नॉर्मल कैसे? पहले तो हमको बताना होगा कि नॉर्मल कहाँ पर है। तो नॉर्मल बेटा बताना होगा तो नॉर्मल कैसे निकलता है, हो सकता है आपको मालूम या नहीं मालूम हो। तो नॉर्मल जब हम लोग को निकालना पड़ता है बच्चों, जैसे जब कोई मान लो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे ये प्लेन मिरर मान लो, ये मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड बेटा इधर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये प्लेन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस जो होता है तो इसकी नॉर्मल क्या होती है? इसके परपेंडिकुलर कुछ भी, ये जैसे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये हो गया इसकी नॉर्मल। इस पॉइंट पे बनाना है तो यहाँ पे एक लाइन खींच दो इसके परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल बन जाएगा। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल पे। लेकिन जब कर्व सरफेस आता है तो कर्व सरफेस से नॉर्मल हम लोग कैसे बनाते हैं कि जिस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना है, बोल दो मतलब सर यहाँ बनाना है, मान लो मुझे इस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना होगा? मुझे एक टेंजेंट पहले बनाना होगा। अब टेंजेंट आपको नहीं मालूम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। टेंजेंट मतलब यार एक लाइन जो इसको टच कर रहा हो उस पॉइंट पे, ऐसा समझ लो। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए बच्चों कि टेंजेंट इस पॉइंट पे मान लो टच हो रहा है ऐसे, ये समझ लो इस पर टच कर रहा है, तो ये हो गया टेंजेंट। और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो इसी पॉइंट पर, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये क्या हो गया? इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया नॉर्मल बच्चों। ये है मेरा नॉर्मल, ये भी है मेरा नॉर्मल, ये हो गया। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यही है सर, इतना सा नहीं मालूम है सर? बोलिए सर। लाइट यहाँ से बच्चों आ रहा है, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में लाइट ऐसे आ रहा है, तो जो लाइट आ रहा है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब जो लाइट कहीं से आ रहा है बच्चों, मिरर में टकराने से पहले जो रे आ रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे मेरा, इसको आई लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसको, इसको लिख देता हूँ इधर, ये हो गया इंसिडेंट रे, दिस इज माय इंसिडेंट रे बच्चों। ठीक, ये इंसिडेंट रे। अब इससे टकराने के बाद ये एंगल मान लो आई है और ये एंगल मान लो आर है। ठीक, ये इस एंगल से गिरा और इस एंगल से चला गया, और ये मेरा यहाँ पे क्या है? मैं प्लेन मिरर लिया हूँ भाई, यहाँ प्लेन मिरर है ये। ठीक, प्लेन मिरर लिया हूँ तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है बच्चों। इसकी मतलब आई बराबर आर होगा, ये बोल रहा है। और क्या बोल रहा है बच्चों? कि ये मान लो प्लेन सरफेस है, ठीक, ये प्लेन मिरर है, ये सरफेस है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है इधर से जो नॉर्मल है और एंगल रिफ्लेक्शन, ये तीनों एक ही प्लेन में लाया कर, एक प्लेन मतलब एक कोई वर्टिकल प्लेन में लाया कर। ये यदि बोर्ड के प्लेन में है, ये सारा का सारा इस बोर्ड के प्लेन में ही होगा बच्चों। मतलब ऐसा नहीं कि एंगल इंसिडेंस ऐसे आ रहा है, मतलब ये समझो, ये है, ये देखो, ये से ये नॉर्मल हो गया, ये वाला उंगली मेरा इंसिडेंट रे, ये हो गया ऐसे, ये सब एक ही प्लेन में। ऐसा नहीं होगा ये बाहर चले जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसे आया और यूँ बाहर चले गया, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। एंगल तब भी बराबर हो सकता है अगर यदि ये इस एक प्लेन में आए और एक प्लेन से बाहर चले जाए, मतलब ऐसे आए या ऐसे चले जाए और नॉर्मल सीधा हो जाए, तो बाहर तो एंगल वहाँ सेम हो सकता है बट सेम प्लेन पर लाइन नहीं कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा बच्चों कि सेम प्लेन में भी होना चाहिए, लिखा हुआ है। ये है सेकंड लॉ, तो ये दोनों बातें लागू होती है, एक ही प्लेन में होता है, मतलब ये ऐसे आया ऐसे गया और एक ऊपर से, ये तीनों एक ही प्लेन में, ये बाहर की ओर नहीं, तो ये बात याद रखो सेम प्लेन में होता है। ये बात को यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होगा, क्योंकि ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं है कि कौन सा, हर केस में होगा बट जहाँ पे स्मूथ सरफेस जहाँ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये मेरा, इसको मान लेते हो इस तरह बच्चों, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एंगल। यहाँ पे मान लो एक रे इंसिडेंट हो रही है ऐसे, ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, ये है, इसको लिख देता हूँ भाई रिफ्लेक्टेड रे, ये तो छूट ही गया, ये रिफ्लेक्टेड है बच्चे। ठीक, ये वाला केस समझ गया प्लेन मिरर में, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई बराबर आर, और ये सब एक ही प्लेन पर है। यहाँ पे भी क्या होगा कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बच्चों? ये भी देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं तो ये बताया, ये इंसिडेंट रे है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये दोनों के बीच की जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच की एंगल। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे।
तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टर के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे वही होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच के बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं? इसको आई से डिनोट कर रहे हैं बच्चों। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टर के बीच है उसको बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से डिनोट कर रहे हैं। तो एंगल आई बराबर फिर से एंगल आर होगा बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। और ये सब तीनों एक ही प्लेन पर लाए करेंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी बेटा आपको कोई पूछे कि एंगल रिफ्लेक्शन एंगल इंसिडेंस का, ये आप बता सकते हैं कि नॉर्मल से जो एंगल इंसिडेंट रे बना था उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे से बनाएगा नॉर्मल उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, इतनी बात। प्लस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी पूछा जाए तो आप जोरिनी का प्लेन मिरर बना दें, आप ये मिरर भी बना सकते हैं, कोई भी आप एक कर्व ऐसे बना दो बेटा, वहाँ पर नॉर्मल एक टेंजेंट बनाओ, नॉर्मल बनाओ, इंसिडेंट रिफ्लेक्टर इक्वल दिखा दो, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। आप लोग स्मार्ट बच्चे बनेंगे क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, आप स्मार्ट बच्चे। आप सिर्फ ये मत बना देना कोई पूछे तो कि आपको यदि ये लिखने के लिए आ जाए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप ये और ये दोनों बना देना, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, मैं वो गारंटी लेता हूँ बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते बच्चे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी मेरा फोकस सिर्फ इस पर है। अब हम लोग कुछ सवाल देखेंगे, हम लोग समझेंगे आखिर इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ों की डेफिनेशन आपको पता ही नहीं बच्चों। और ये चीज़ आपको मालूम नहीं होगी तो आप सवाल सही से नहीं कर पाएंगे कि इमेज किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं बच्चा, पॉइंट इमेज क्या होते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। तो मैं इरेज करता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप साथ ही साथ नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे तो आपको याद रहेगा, बाद में भूलोगे नहीं, क्योंकि अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप हो सकता है देख रहे हैं आपको समझ में आ जाए, लेकिन बाद में जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि वो चीज़ों को आप लिख लेंगे बढ़िया से मस्त अपने लैंग्वेज में, कुछ इंपॉर्टेंट बात बोला मैंने अपने अपने हिसाब से लिख लिया, तो आपको वो चीज़ बाद में याद आ जाए, आपको वही वाले फील आएगा जो यहाँ पर फील आ रही है बच्चों। तो मैं लिखता हूँ बच्चों, हम लोग आखिर पहले समझते आखिर ऑब्जेक्ट किसको बोलते, पहले ऑब्जेक्ट आखिर किसको बोलेंगे। आप बोले सर ये क्या बात है, ऑब्जेक्ट तो हम पहले जानते हैं, कोई भी चीज़ को ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। वैसे नहीं बेटा, साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है ये समझना बुझे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट किसको बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर, देखो बच्चे ध्यान से, ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिखते हैं पहले, ठीक, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोल रहे हैं हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या बेटा, पॉइंट ऑफ, लिखो पॉइंट ऑफ इंटर सेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या बच्चा, पॉइंट ऑफ इंटर सेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जहाँ पे इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे बच्चों। याद रखना इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन को बोला जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट बच्चों। और पॉइंट ऑब्जेक्ट में दो केस होता है, एक तो रियल एक रियल, तो ये रियल ऑब्जेक्ट में लिख रहा हूँ बच्चों। तो इसमें दो केस आए, क्या आएगा, एक आ जाएगा रियल ऑब्जेक्ट, बोलो ये बात क्या है सर रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट बच्चों जहाँ पे सही में जो इंसिडेंट रहे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। और एक बोला जाएगा बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये आपने सुना होगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट बेटा सही में नहीं होता, लेकिन वहाँ पे लग रहा है कि रे इंसिडेंट रे वहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है, सीम्स टू। अब देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ प्लेन मिरर के सहायता से, आपको एक्सप्लेन करो आखिर ये होता है क्या, और यही डिफिनेशन रहेगा बच्चों कि ऑब्जेक्ट की जो बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यही होता है, यही समझ, यही ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बट्टू, देखो ये है मेरा, इसको मैं ले लेता हूँ प्लेन मिरर अभी, ठीक, प्लेन मिरर तो आपको पता है आप मिरर यूज करते हैं बट प्लेन मिरर आपको पता ही हो, घर में आप डेली देखते हैं कि ये प्लेन सरफेस एक तरफ पॉलिश रहता है एक तरफ रिफ्लेक्टिंग, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक। तो यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा यहाँ से रे ऐसे रह जाएंगे, यहाँ से रे ऐसे जाएंगे, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया ऑब्जेक्ट, क्यों कहलाया बच्चों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे जा रहा है, ये क्या है इंसिडेंट रे, और ये भी क्या है
इंसिडेंट। अरे ये भी क्या है भाई, इंसिडेंट। अरे आप बोले सर आप दो ही इंसिडेंट क्यों बना रहे हैं, या आप ऑब्जेक्ट से रे कैसे निकाल दे रहे हैं, ये बल्ब थोड़ी है, है? आप सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़े चलेगा, ये ऑब्जेक्ट कोई बल्ब थोड़ी है कि वो रे इमिट करेगा। बोलिए हो सकता है नहीं हो सकता है, तब सर सारा किताब में गलत दिया हुआ है। बोले नहीं गलत नहीं दिया भाई, सुनो बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट आप देख कैसे पा रहे, समझो जब ऑब्जेक्ट की बात होती है बच्चों, कहीं समझो दिन है या सन है या कहीं बल्ब तो होगा ही, मान लो सन है, यहाँ से लाइट हर जगह आ रही, पूरी पृथ्वी पर लाइट आ रही, देखो सुनो यहाँ से पूरी पृथ्वी पर लाइट आ रही है, और कोई यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से हम लोग ऐसा मानते हैं कि इससे लाइट बाहर जा रही, इससे हर जगह रे बाहर जा रही, क्यों मानते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से हम लोग दिखाते हैं लाइट रे बाहर आ रही, लेकिन लाइट रे ये बल्ब थोड़ी ही बाहर आएगा, लेकिन होता क्या बच्चों कि यहाँ से ले रे आ रही सन से, और सन से रे इस पर टकरा रही है, और इससे चारों तरफ, क्योंकि ये रफ सरफेस है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट, तो इससे हर तरफ बेटा लाइट क्या होगी पड़ने के बाद हर तरफ रिफ्लेक्ट होती है, तो लाइट तो सन से आ रही है और इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन जब हम डायग्राम बनाएंगे, जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे, तो वहाँ पे हम सन को बार बार थोड़े बनाएंगे, बल्ब को थोड़े बनाएंगे, हमें ऑब्जेक्ट से रे आ रहे हैं, उससे हमें देखना, उससे इमेज बनता है, तो हम लोग यही मानेंगे कि ऑब्जेक्ट से ही रे बेटा निकल रही है, जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, इसको रे डायग्राम बोलते हैं, जब रे डायग्राम पढ़ेंगे या कुछ पढ़ेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट से मानेंगे कि लाइट्स बाहर आ रही है, ठीक ऐसा मानेंगे, बट लाइट तो वहाँ पर आ रही कहीं से, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है, मतलब सन से लाइट आ रही फिर इससे हो सकता है लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इससे जा रही, बच्चों ऐसा होगा, ठीक है, लाइट सोर्स रहेगा तो वहाँ डायरेक्ट लाइट निकल सकता है बल्ब है तो, लेकिन जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उसमें तो कोई लाइट सोर्स नहीं होता, उसमें लाइट कहीं से पड़ रही फिर रिफ्लेक्ट होकर वो आ रही, तो हम लोग जब बनाएंगे रे डायग्राम या कुछ भी बनाएंगे जी बेटा, जो ऑब्जेक्ट्स की हम जब डायग्राम या इमेज की जब इसको थ्योरी बनाएंगे समझेंगे, तो उसके आगे कहानी थोड़े बताएंगे कि रे इस पर कहाँ से आया, इससे क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना, तो यहाँ से रे जितनी जा रही वो हम लोग बनाते हुए, ठीक ये बात आपको समझ में आया होगा, तो ये बेटा यहाँ से लाइट जा रही, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ से रे कैसे दिखा रहे, ठीक इसको थ्योरी समझो, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे बेटा यहाँ से एक रे निकली और यहाँ से एक रे जा रही, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा वहाँ से उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किसको बोलना है, इंसिडेंट रे जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक ये बात हो गई बच्चों। अब बोले सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होते, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखो भाई बता रहा हूँ मैं,